हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सोसेट के बारे में, जिसे जिसके थ्रू जो है आप अंडर ग्रेजुएशन और साथ ही साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपने किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ। तो जो मेरा चैनल है वो है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर। तो आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे जो है लाइक आपका नीट, CSIR, JRF, GATE, TBT, ICMR, JRF से रिलेटेड या अदर MSc लाइक MSc एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है मैं वो कंटेंट जो वो अपलोड करता हूँ। तो आप मेरे कुछ कंटेंट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो है आप स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और आप जो है मेरे कंटेंट को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी साइंस स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो या आपका CSIR JRF या आपका ICMR या GATE हो। इसके अलावा अगर आप जो है लाइक जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई आपको जो वीडियोस चाहिए, तब भी वो वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मोस्टली मैं साइंस से रिलेटेड जो भी लाइक वैकेंसी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की या हमारा लेक्चरर की या आपका लाइक प्रोजेक्ट JRF, प्रोजेक्ट SRF या आपका पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के लिए जो भी लाइक वैकेंसीज है, जो भी इंडिया एब्रॉड जहाँ पर भी निकलती है, मैं उसका जो है अपडेट भी अपने चैनल पर देता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों में किसी में भी फील्ड में अगर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको जो मेरा नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको जो है लाइक बेल आइकन को प्रेस करना है ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए हम देख लेते हैं ये हमारा नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये मोस्टली UG और PG डिग्री के लिए आता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम सोसेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर सोसेट 2021, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 या अंडर ग्रेजुएशन के लिए और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है जितनी भी 12 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इन सबको कंबाइन करके यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। चाहे अगर आप UG के लिए एडमिशन लेना चाहें, चाहे आप PG के लिए लेना चाहें, तो सबके लिए जो है कॉमन यहाँ पे सोसेट 2021 है यहाँ पे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी जो इन लाइक सोसेट में नहीं आती, जैसे आपका हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये सब क्या है, ये सब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये सारी जो है इसमें मर्ज नहीं की गई। तो यहाँ पे देखिए जो 12 यूनिवर्सिटी हैं वो सारी यहाँ पे सूसट के अंदर आती हैं। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए असम यूनिवर्सिटी, सिलचर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये 12 यूनिवर्सिटी जो है इनके अंदर आप अगर एग्जाम देते हैं सूसेट 2021 का, तो यहाँ पर जो भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो आप जो है अपनी रैंकिंग या अपनी मेरिट की बेस पे जो है यहाँ पे अपना जो UG या PG डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं UG का। तो UG का हम ब्रॉशर डाउनलोड कर लेते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इन्होंने अपने प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़िए पढ़िएगा जब भी अप्लाई करने से पहले आप इसे अच्छे से पढ़िए, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ही आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और जो इसका लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है। और यहाँ पे लास्ट डेट एग्जामिनेशन फी पे करने की 2 सितंबर 2021 है। और यहाँ पे अगर आपका कोई गलती हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसका 3 to 4 सितंबर में जो है आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ फी पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको अगर जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 350। और अगर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे निल कोई भी फी जो है पेमेंट नहीं करना है। तो ये जो अप्लीकेशन फ़ी है ये आपके अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका PG कोर्स भी है और इसके साथ इंटीग्रेटेड कोर्स भी, मतलब का BSc MSc के लिए भी आप डायरेक्टली जो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ BSc में सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे MSc भी करने को मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सेम यूनिवर्सिटी से जो अपना मास्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो डेट है स्टार्ट की वो 3 to 4 सितंबर है। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा उसका लेटर में बाद में आपको बताया जाएगा डेट क्या है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के, तो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है।
और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन 120 मिनट्स रहेगा यानी 2 आवर का। स्टार्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट मेंशन कर रखी है 15 से स्टार्ट होगा, 15, 16, 23, 24, क्योंकि टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी जैसे कोविड का मे बी थर्ड वेव आ सकती है, तो मे बी जो है इस डेट को जो बढ़ा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि पैंडेमिक कैसा है, उसका कैसे उसे हैंडल किया जाए। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं। और टाइमिंग जो रहेगी वो आपके मॉर्निंग रहेगी और आपका जो है इवनिंग दो शिफ्ट में रहेगी, शिफ्ट 1 10 AM to 12 noon और जो इवनिंग का लाइक टाइमिंग रहेगी वो 3 PM to 5 PM रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा और जो भी आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रोवाइडेड आंसर की है वो भी अनाउंस की जाएगी लेटर में, रिजल्ट भी लेटर आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये सब आपको जो है कैरी करने, जब भी आप एग्जाम से वेन्यू पे जाएं तो आप अपना एडमिट कार्ड, बॉल पॉइंट पेन, एडिशनल फोटोग्राफ, हैंड सैनिटाइजर, आईडी प्रूफ, वाटर बॉटल, शुगर टैबलेट या फ्रूट जो भी है आपका वो सब लेके जाएं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप डायबिटिक है तो यहाँ पे आपको शुगर टैबलेट्स या फ्रूट जो भी है आपका बनाना, एप्पल ऑरेंज, वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपको क्या क्या ले जाना है एग्जामिनेशन वेन्यू पे पहुँचने के बाद। तो इस बार का जो देखिए टेस्ट ये करा रहा है एग्जाम, वो NTA करा रहा है, तो मोस्टली जितने भी एग्जाम है अब NTA ही कराता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपका 12 जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है कौन कौन सी है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे देखिए आपका बी लाइक आपका बैचलर डिग्री या यूजी डिग्री के कोर्सेज मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड जो मैंने आपको बताया कि BSc MSc दोनों अगर आप ऑनर्स में करना चाहते हैं बॉटनी में, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा प्रोग्राम और कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही, तो ये सब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे लाइक के उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड और अलॉन्ग विद नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए भी आप UG कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT बेस्ड रहेगा। आपका जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है इंग्लिश जेंडर नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी के, तो यहाँ पे पेपर कोड नहीं रखा, यानी कि QP01 के लिए जो है ये फॉर्मेट रहेगा, QP02 के लिए ये फॉर्मेट रहेगा आपका क्वेश्चन पैटर्न का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखे हैं सारे कोड भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे UI QP01, तो इन सब के लिए अलग पैटर्न रहेगा और UI QP202 के लिए अलग पैटर्न रहेगा। तो ये आप ध्यान से देखें कि आप सब कौन सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं। ऐसे UI QP02 में 100 क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिक स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। मीडियम आपका इंग्लिश ही सिर्फ रहेगा, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मार्किंग आपकी रहेगी, ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग 1 मार्क, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि लाइक आपका पैटर्न क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट पेपर कोड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पैटर्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपका जब रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो है काउंसलिंग एडमिशन शेड्यूल के लिए बुलाया जाएगा, और आपका जो भी मेरिट लिस्ट में जितना भी आपका मार्क्स होगा उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और उसके बेस पे ही आपका यहाँ पे लाइक यूनिवर्सिटी दी जाएगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा डेट एग्जामिनेशन का 2 आवर लाइक ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स, डेट आपको बाद में पता चलेगी, टाइमिंग भी आपको बाद में ही NTA अपडेट कर देगा। मॉर्निंग आफ्टरनून दो सेशन में एग्जाम होंगे, तो यहाँ पे कोड दे रखे कौन से कोड लाइक सब्जेक्ट के एग्जाम कब होंगे। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या है, बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। ये सब पूरा आपको कैसे अपलोड करना है अपना ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो सारा सारा जो है डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर रखा, तो आप स्क्रॉल डाउन करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है डिटेल में दे रखी है। अब देखिए आप एलिजिबिलिटी दे रखी है नेक्स्ट ईयर 2 में, तो आप देख सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे पूरा आपका सब्जेक्ट और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है और कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है ये UG कोर्स लाइक ऑफर किए जा रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है क्या कोर्स दे रखे हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड MSc जो है वो बायोकेमिस्ट्री में दे रखा है, और यहाँ पे जो है आपका 10+2 इन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, और ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में ये कोर्स जो है वो ऑफर करे जा रहे हैं। पर यहाँ पे आप BSc भी कर सकते हैं, MSc भी बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, आपको MSc के लिए कोई और इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये जब आप देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा लाइक कोर्स जो है वो कंडक्ट हो रहा है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करने में आप पूरा देख सकते हैं, डिटेल में दे रखा है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, भी अपना यूजी डिग्री करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। बाकी ये एग्जाम जैसे सेंटर दे रखे हैं तो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप जो है यहाँ पे सारे जो देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में आप जो है इसमें लाइक कौन सी सिटी में आप रहते हैं, जो आपके घर के पास सिटी हो वहाँ पे आप जो है अपना इंटर्स लाइक एग्जाम सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक फॉर्म्स दे रखे जो आपको सबमिट करने होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के, जैसे कि आपका लाइक OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैंशन कर रखी है। इसके अलावा कि आपको एंट्री अगर कब लेनी है लाइक के इंटरेंस एग्जाम के लिए और आपको क्या क्या कैरी करके ले जाना, वो सारा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपका डिस्कस किया, और ये पूरा आपका एनेक्जर दे रखा है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो ये हमारा जो हो गया ये यूजी डिग्री के लिए हो गया है। अगर आप जो पीजी डिग्री की बात करें तो पीजी डिग्री का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो है ये पीजी डिग्री के लिए डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइक ब्रॉचर है वो पीजी डिग्री का है, तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो ऑलमोस्ट इसमें भी सेम ही चीज़ होगी जहाँ तक है, तब भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सेम 16 अगस्त से स्टार्ट है 1 सितंबर के लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट 2 सितंबर, करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3rd to 4th सितंबर। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी में देख लीजिए, जनरल OBC EWS कैटेगरी के अगर आए तो 800, SC ST ट्रांसजेंडर 350 और PWD के लिए नील। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम डेट मेंशन कर रखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन 3rd to 4th सितंबर, आपका मोड ऑफ एग्जाम जैसे CBT बेस्ड रहेगा, आपके पैटर्न क्वेश्चन जो रहेंगे एग्जाम लेंगे एग्जाम वो MCQ, ड्यूरेशन 120 मिनट्स, और जो एग्जाम डेट है 15, 16, 23, 24 सितंबर। यहाँ पर भी 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपका और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा टेस्ट पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यह व्यू मेंशन कर रखा है कि 200 रुपीज़ फॉर जनरल अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के, SC ST ट्रांसजेंडर 75 और PWD के लिए जो है यहाँ पे नील। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा अगर पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ₹200 जो है वो लाइक पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाई पेइंग एप्लीकेशन फी, हाउएवर इन द केस द कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 3 टेस्ट पेपर अंडर सुसेट, द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंट्रेंस टेस्ट फी पे बाई हर फॉर ई सब्सिक्वेंट टेस्ट पेपर सेल बी चार्ज एज पर रिड्यूस रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ₹200 जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स के लिए। ठीक है, यानी कि मोर देन 3 टेस्ट पेपर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ₹200 पे करने पड़ेंगे, जो कि रिड्यूस रेट में है। ठीक है, तो अब स्क्रॉल डाउन करने पे और कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूरा सेम है जो मैंने यूजी के लिए बताया, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे ले जानी है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना पूरा जो है यहाँ पे पीजी डिग्री के जो भी कोर्सेस हैं और प्रोग्राम और जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और टेस्ट पेपर कोड भी मेंशन कर रखे, तो आप जिसमें लाइक चीज़ में आप MSc करना चाहते हैं या MA करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट में वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जो है क्या कोर्स ऑफर कर रही है, तो अगर आप MSc जूलॉजी में करना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ऑफर कर रही है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आपको किस PG कोर्स में जो है वो एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आलो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो ऑलमोस्ट जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ मोड ऑफ एग्जाम जैसे CBT बेस्ड है, पैटर्न आपका MCQ रहेगा, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पेपर कोड दे रखे हैं, तो इन पेपर कोड के लिए पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और पार्ट बी जो क्वेश्चन आएगा वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का रहेगा। अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई करें तो आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मिलेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो बॉटनी बायोलॉजी के बॉटनी के लिए रहेंगे, जूलॉजी के लिए, जिस भी फिलहाल सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पेपर कोड मेंशन कर रखा है, तो इन पेपर कोड में जो भी आपका सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न आपका है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं आपका जो पेपर कोड क्या है, उसी के थ्रू जो है आप अपने यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। मीडियम इंग्लिश रहेगा आपका, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी। तो यहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट 2021 पेपर कोड और क्वेश्चन पैटर्न मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो सिलेक्शन आपका होगा वो मेरिट की बेस पे ही होगा। ठीक है, ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा, 120 मिनट, जो मैंने आपका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एग्जाम डेट आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैंने आपके साथ यूजी वाले में डिस्कस किया है, सारा चीज़ सेम मेंशन कर रखी है। अब स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, एडमिट कार्ड सॉरी जो आपका है लाइक एग्जामिनेशन सेंटर वो देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एनेक्जर टू में मेंशन कर रखा है यहाँ पे आपका डिग्री प्रोग्राम सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको लाइक किस चीज़ में किस डिसिप्लिन में आपको मास्टर करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी जो वो आपको ऑफर कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा अच्छे से। तो आप इस नोटिफिक लाइक ब्रोशर को अच्छे से पढ़िए ताकि आपका जो कोई भी यहाँ पर डाउट या क्वेरी ना रह जाए। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करने पे हमें ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है चाहे वो साइंस बैकग्राउंड चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए सबके लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो बाकी आई थिंक मे बी अब आपका स्क्रॉल डाउन करने पे आपका जो है यहाँ पे एग्जामिनर सेंटर देखने को मिलेगा कि आप जो है एग्जाम सिटीज चूज कर सकते हैं। जो भी आपके घर के पास एग्जाम सेंटर हो आप वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ लाइक फॉर्म्स मेंशन कर रखे हैं चाहे एससी एसटी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये सब जो है आपको तब जमा करना है जब आपको जो है लाइक एडमिशन लेने या काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे तब आपको जो है वो लाइक सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद योर अदर टेस्टिमोनियल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।